नमस्कार दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र में मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसी वास्तु की टिप्स जो आप अपने घर में कर सकते हैं आज ही, और आपको इससे मिलेगा हेल्थ, वेल्थ और हार्मनी तीनों चीजें। सबसे पहला उपाय आपको अपने घर में करना है आपका मुख्य द्वार, क्योंकि दोस्तों सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आपके मुख्य द्वार के माध्यम से ही आती है। अब उसमें आपको क्या देखना है, आपको अपने मुख्य द्वार की यानी कि मेन डोर की एनर्जीज को बढ़ाना है, ताकि आपके घर में जो भी वाइब्रेशंस और एनर्जीज आ रही हैं मेन डोर से वो पॉजिटिव आए। तो इसके लिए आपको दो उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको करना है, आपको अपने मेन डोर के आसपास कुछ क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन रखने हैं। क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के 20 से 40 पीस आप ले लीजिए। अगर डोर के दोनों साइडों में आपके पास जगह है तो आप दोनों साइडों पे रख सकते हैं। दोनों साइड पे जगह नहीं है, अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप एक ही बाउल में 30-40 पीस डाल के रख सकते हैं। एक चीज का खास ख्याल करेंगे, ये उपाय जो आप कर रहे हैं इन स्टोन्स को आपको हर 15 से 20 दिन में एक बार ढंग से वॉश करके, वाइप करके, सुखा के वापस बाउल में रखना है, ताकि ये प्रॉपर अपना वर्क कर पाए। दूसरा उपाय आपको करना है, आपको लगाना है एक कैम्फर डिफ्यूजर। कैम्फर डिफ्यूजर क्या होता है, जो कपूर आता है, कपूर की कैम्फर की टेबलेट्स आती हैं और कैम्फर ऑयल भी मिल जाता है बड़े आसानी से मार्केट में। कोई भी डिफ्यूजर ले लीजिए, अगर टैबलेट वाला डिफ्यूजर मिल रहा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम्फर की आपको ऑयल वाला डिफ्यूजर मिल रहा है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो भी आपके घर में मेन डोर से पहले तो जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली या कोई भी आता है, चाहे वो अच्छे मन से आ रहा है चाहे गलत मन से आ रहा है, उसका जो भी नेगेटिविटी वो अपने साथ ला रहा है वो कभी भी आपके घर में नहीं आएगी। दूसरा, हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है आपके घर में अगर आप कैम्फर डिफ्यूजर लगाते हैं। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है कैम्फर डिफ्यूजर घर के अंदर लगाना। सेकेंड वास्तु टिप आपको करना है अपने घर के कॉमन एरिया में। कॉमन एरिया में क्या करना है आपको, आपको अपने घर के कॉमन एरिया में कुछ प्लांट्स रखने हैं। स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपके घर में जगह है तो ग्रीन मनी प्लांट आप रख सकते हैं। दोस्तों बहुत बार लोग आपको गाइड कर देते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट रख दीजिए। दोस्तों ये कोई वास्तु की रेमेडी नहीं है, ये कोई वास्तु का उपाय नहीं है। साउथ ईस्ट में मनी प्लांट फेंगशुए का पार्ट है, जो कि आप वास्तु और फेंगशुई अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। वास्तु में कभी भी साउथ ईस्ट में मनी प्लांट नहीं बताया गया, ये फेंगशुई का रेमेडी है। आप मनी प्लांट को अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं एज पर वास्तु, फेंगशुई का फॉलो नहीं करेंगे आप। अगर आपको फेंगशुई फॉलो करना है तो आप फेंगशुई की रेमेडीज करिए, वास्तु की रेमेडीज मत कीजिए। थर्ड वास्तु का टिप है दोस्तों, आपको अपने बेडरूम में करना है, आपको अपने बेडरूम में पॉजिटिव कलर्स का इस्तेमाल करना है, जो उस डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कलर है आपको वो कलर उस डायरेक्शन में करने हैं। साउथ वेस्ट हो गया, सबसे पहले साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। कलर थोड़े से ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कपल फ्रेंडली हो। कभी भी ग्रे या ब्लैक कलर का इस्तेमाल आपको अपने बेडरूम में नहीं करना। किड्स बेडरूम है आपका, किड्स बेडरूम में ऐसे पॉजिटिव कलर्स जो आगे आपके बच्चों को बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करें, उस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के कमरे में लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। दोस्तों आज ही इन टिप्स को फॉलो कीजिए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।